हेलो, मैं अविनाश कुमार LLB डिजिटल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जो भी कॉलेज अफिलेटेड है उन सभी कॉलेज में BA पार्ट वन का एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो आज मैं SMD कॉलेज पुनपुन का ऑनलाइन एडमिशन पार्ट वन का अप्लाई करके बताऊँगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ गूगल ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आप SMD कॉलेज पुनपुन टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद SMD कॉलेज पुनपुन .ac.in पे क्लिक कर लीजिएगा। ये हम लोग SMD कॉलेज पुनपुन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल नीचे देखिएगा, डिग्री एडमिशन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। करते ही ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में आपको यहाँ दिया गया है गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में आपको चेक योर अलॉटमेंट ऑफ फॉर दिस कॉलेज, ठीक है, इसमें आपको देखिए URL नंबर, ठीक है, इंटर करना है जो आपका यूजर नेम है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, और इसमें आपको सेलेक्ट एकेडमिक ईयर, ठीक है, पार्ट वन सेलेक्ट कर लेना है और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इंटर कर लीजिएगा। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने URL नंबर यूजर नेम, ठीक है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फिल कर लिया है, 21G से आपका रहेगा और पार्ट वन, ठीक है, डिग्री सेलेक्ट है। इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। सर्च बटन पे क्लिक करते ही आपको क्लिक हेयर फॉर एडमिशन नीचे आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, क्लिक हेयर फॉर एडमिशन पे क्लिक करते ही आपको देखिए फॉर्म पेज ओपन हो चुका है, ठीक है, आपको क्या फिल करना है मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले कैंडिडेट प्रोफाइल, अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, एज पर हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार, ठीक है, इसमें इंटर करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट नेम, अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, फिल करना है तो आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद फादर नेम, पिता का नाम क्या है, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मदर नेम, माता का नाम क्या है, ठीक है, इसमें आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि आपका क्या है, आप, ठीक है, इंटर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जेंडर, ठीक है, लिंक क्या है, मेल फीमेल, जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका यहाँ मेल है, ठीक है, सेलेक्ट है। या फिर रिलीजन, धर्म आपका क्या है, ठीक है, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम या क्रिश्चियन, जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका हिंदू है, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट। इसके बाद देखिए कैटेगरी, किस श्रेणी से आते हैं, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। BC 2 से अगर बिलोंग कीजिएगा तो BC में चल जाइएगा, और BC 1, ठीक है, EBC हो जाता है, और जनरल जनरल ही रहता है, और SC ST, ठीक है। तो इसका यहाँ BC 2 था तो BC, ठीक है, हमें सेलेक्ट कर लिया इसका कास्ट कैटेगरी। देखिए आपको सब कैटेगरी उप श्रेणी सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है, गर्ल्स है, तो गर्ल्स या फिजिकल हैंडीकैप सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप बॉयज है तो, ठीक है। फिर यहाँ देखिए डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं, ठीक है, तो आप देखिए हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप नो ही रहने दीजिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डू यू पोजेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट, क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र है। तो ये देखिए सिर्फ जनरल वाले कास्ट के लिए होता है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो इसमें आप नो ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए आपको डोमिसाइल स्टेट पूछ रहा है, आप किस मूल निवास के, ठीक है, आप किस राज्य के निवासी हैं, तो इसका बिहार है, तो ठीक है, यहाँ बिहार सेलेक्ट है इसका। फिर इसके बाद देखिए, फिर यहाँ देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र का संख्या है वो इंटर करना है। ये देखिए स्टार मार्क नहीं है, इसे आप इंटर कर सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए डू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार संख्या है, तो यह सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर नहीं है तो नो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, ठीक है, अगर है तो आप आधार नंबर यहाँ इंटर कर लीजिएगा, ठीक है, इसका मैंने इंटर कर लिया हूँ। इसके बाद देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर, आधार नामांकन संख्या, जब आप आधार अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आधार का मिलता है, नामांकन संख्या, वो भी आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे देखिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, संपर्क करने का विवरण बताया गया है, एड्रेस, ठीक है, प्रत्याचार पता, इसमें आप विलेज POPS, ठीक है, अपना जो भी है फिल कर लीजिएगा। इसके बाद स्टेट, आप किस राज्य से, ठीक है, बिलोंग करते हैं, और ज़िला अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आपका क्या पिन कोड है, ठीक है, वो फिल कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर। नेक्स्ट स्टेप में आपको अप्लाई फॉर, यू अप्लाई फॉर कोर्सेज, ठीक है, कोर्स नेम, डिग्री इसका है, प्रोग्राम नेम BA है, ईयर पार्ट वन दिया गया है। इसका ऑनर्स पेपर देखिए साइकोलॉजी है, और सब्सिडरी पेपर 1-2 हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस है, और कॉम्पोजिशन ये हिंदी सेलेक्ट किया, ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो ऑनर्स पेपर रहेगा उस हिसाब से आप सब्सिडरी पेपर 1 और सब्सिडरी पेपर 2, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको एकेडमिक डिटेल दिया गया है, सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल 10th मार्क्स डिटेल, ठीक है, 10वीं कक्षा, हाई स्कूल प्राप्त अंकों का विवरण इसमें,
ठीक है, फिल करना है। तो आपका जो जो भी 10th क्लास का ठीक है डिटेल है वो आप यहाँ भर लीजिएगा। आपका पासिंग ईयर कब है, ठीक है, आप कौन बोर्ड से पास हुए हैं, और आपका 10th का रोल नंबर क्या है, और कितना 10th में परसेंट आया है। इसके बाद देखिए आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है, आप अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ इसका अपलोड है, ठीक है, यहाँ आप क्लिक है टू व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 10th क्लास का मार्कशीट ठीक है व्यू होगा। यहाँ आपका क्लास 10th का मार्कशीट ठीक है दिखने लगेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, इस पर क्लिक करके देखिए इसका क्लास 10th का मार्कशीट दिखने लगेगा। देखिए यहाँ इसका क्लास 10th का मार्कशीट ठीक है दिख रहा है। फिर इसके बाद आप बैक चल जाइएगा, इसका देखिए इंटरमीडिएट बोर्ड ठीक है, जो भी आप इंटर बोर्ड दिए हैं, जो भी आपका डिटेल है मार्कशीट का वो यहाँ इंटर कर लीजिएगा। पासिंग ईयर ठीक है 2021, इंटरमीडिएट बोर्ड कौन बोर्ड से आप पास किए हैं, आपका रोल नंबर और परसेंटेज ठीक है इसमें फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का ठीक है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन ठीक है। तो यहाँ इसका लोड है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका 12th का पहले मार्कशीट ठीक है। क्लिक है टू व्यू द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका 12th का इंटरमीडिएट का मार्कशीट ठीक है शो हो रहा है, इसका बैक बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए 12th का प्रोविजनल ठीक है, तो क्लिक है टू व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा, इस पर आपको प्रोविजनल शो करेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओपन हो चुका है, यहाँ इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ठीक है शो कर रहा है। चलिए अब बैक चलते हैं, इसके बाद देखिए आपको CLC ठीक है अपलोड करना है, तो यहाँ इसका अपलोड है। चलिए व्यू डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, इसका CLC भी ठीक है दिया गया है, लिविंग सर्टिफिकेट ठीक है शहीद रामानंद राम गोविंद हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी पुनपुन पटना ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका CLC भी शो कर रहा है। अब चलिए फिर बैक चल के माइग्रेशन, यहाँ देखिए आप क्लिक है टू व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको माइग्रेशन भी शो करेगा जो आप अपलोड किए हैं ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, इसका माइग्रेशन यहाँ ठीक है शो हो रहा है। तो इसका देखिए सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। सबसे पहले देखिए आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, इसके बाद आपको इंटर का मार्कशीट, इसके बाद आपको 12th का प्रोविजनल और इसका CLC और माइग्रेशन ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको बैंक डिटेल ठीक है, बैंक खाता का जो भी आपको डिटेल है इसमें आपको भरना है ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपका बैंक खाता पे नाम रहेगा वो इंटर कर लीजिएगा, इसका बैंक अकाउंट ठीक है आप फिल कर लीजिएगा इसमें, और आपका IFSC कोड क्या है बैंक का ठीक है इसमें फिल कर लीजिएगा, और कौन सा आपका बैंक है बैंक का नाम यहाँ ठीक है फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ इसका सब फिल है। इसके बाद देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसमें देखिए सबसे पहले आप फोटो अपलोड कर लीजिएगा, इसके बाद सिग्नेचर, इसके बाद अपलोड प्रोविजनल ऑफर लेटर, जो पाटलिपुत्रा का ऑफर लेटर आप निकाले हैं ठीक है वो अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ इसका सब अपलोड है। चलिए मैं आपको ऑफर लेटर ठीक है दिखाता हूँ, इसका ऑफर लेटर क्या है। तो यहाँ देखिए इसका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी प्रोविजनल ऑफर लेटर ठीक है डाउनलोड है इसमें, इसका देखिए SMD कॉलेज पुनपुन शो कर रहा है डिग्री BA साइकोलॉजी ऑनर्स। इसको देखिए एडमिशन ओपन डेट इसमें 24 अगस्त दिया गया है, एडमिशन क्लोजिंग डेट 8 सितंबर ठीक है, 8 सितंबर तक आप एडमिशन ले लीजिएगा। तो ये आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर हो गया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ठीक है। आपका किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है आपको ऑफर लेटर में ठीक है पता चलता है, तो आप यहाँ ऑफर लेटर ठीक है अपना जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऑफर लेटर में आपको इंटर कॉन्फिडेंशियल नंबर भी दिया गया है ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ क्या है आपका कॉन्फिडेंशियल नंबर, यहाँ देखिए योर कॉन्फिडेंशियल नंबर इज E0577A7 ठीक है, तो यहाँ इसका इंटर है ठीक है E0577A7। इसका देखिए डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन आप पढ़ के यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा और चूज पेमेंट मेथड ठीक है, जो आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या वॉलेट जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिएगा मोबाइल पेमेंट। तो चलिए मैं यहाँ से नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, और पेमेंट करने से पहले एक बार फॉर्म फिर से आप ठीक है मिला लीजिएगा ऊपर से क्या आप भरे हैं ठीक है, और जब भी फॉर्म आप भरिएगा तो कैपिटल लेटर में ठीक है फिल कीजिएगा फॉर्म को। इसका सब आपका जब सही रहेगा तो आप ठीक है पेमेंट ऑप्शन पे आ जाइएगा, प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही आपको ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन बताया गया है, स्टूडेंट नेम प्रोग्राम और पेमेंट ऑप्शन, और ठीक है फीस कितना लग रहा है बताया गया है इसमें, देखिए फीस 2102 रुपया लग रहा है। आप पे नाउ पे क्लिक करके ठीक है पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग द्वारा या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI के द्वारा ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है मैं आपको इस वीडियो में ठीक है बताता हूँ। यहाँ देखिए आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पार्ट वन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट रहेगा, तो आप किसी भी कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड ठीक है, इसके बाद फोटो सिग्नेचर,
टेंथ का मार्कशीट, ट्वेल्थ का मार्कशीट, ट्वेल्थ का प्रोफेशनल एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद देखिए ट्वेल्थ का SLC और CLC सर्टिफिकेट, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, रहना जरूरी है। इस बार देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और इसके बाद देखिए पार्टी फूटरा प्रोविजनल ऑफर लेटर, ठीक है, कि इस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है वो ऑफर लेटर, ठीक है, आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट, ठीक है, आपको बैंक अकाउंट भी, ठीक है, डिटेल उसमें आपको बताना है। तो ये सब आप डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट 8 सितंबर है, 8 सितंबर के अंदर, ठीक है, आप ऑनलाइन एडमिशन कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।